आप कभी जाएं वहाँ पर, बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, तिलपत गांव में जाकर के दर्शन करिए ठाकुर जी के। ये पांच गांव दे दो। दुर्योधन बोले पांच गांव तो छोड़ दो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उनसे बोलो लड़े और ले लें अगर उनमें बाहुबल है तो। तो भगवान हंस पड़े, बोले फिर ठीक है मुझे आज्ञा लो। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैंने 56 भोग बनवाए। भगवान बोले दुर्योधन कोई भी किसी के यहाँ भोजन किन किन कारणों से करता है, भाव में अभाव में या प्रभाव में। तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई भाव नहीं है जो मैं तुम्हारे घर भोजन करूं, और तुम्हारा मुझ पर इतना कोई प्रभाव नहीं है कि तुम इतने बड़े व्यक्ति हो कि मैं तुमको मना ना कर सकूं, तो मुझ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है। और अभाव में तो मेरे को कहीं भोजन का अभाव नहीं है, मैं तो कहीं भी जाके खा लूंगा, किसी के घर जा करके बैठ जाऊंगा। तो तुम में भाव ही नहीं है, भाव बिना बाजार में बिकता नहीं सामान, भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान। तो भाव बिना बावरे तुझे कैसे मिले भगवान। जय हो। जब भाव ही नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे भगवान। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव, मुझको चाहिए तेरे कोटि बंगले और नकार, मुझको चाहिए, मुझे केवल भाव चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा तो वैसे भी दुर्योधन विदुर जी के घर में होता है। विदुर जी दरवाजे में खड़े थे, सोच रहे थे मेरी तरफ देखेंगे कभी, मेरी तरफ भी देखेंगे, मेरे नाथ मेरी तरफ देखेंगे। और नाथ ने तो कह दिया मैं तो विदुर के घर भोजन करने जा रहा हूँ, विदुर जी तो भाग गए बाजार, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे घर। इधर भगवान पहुंचे हैं विदुर जी के घर। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर 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 घर पावड़ा। अब सुनो विदुर के घर पहुंचे तो विद्वानी नहा रही थी, आवाज आई, दरवाजा खटखटाया, खटखट, कौन? काकी मैं हूँ। मैं कौन? मैं तेरा गोपाल। काकी तो जैसी अवस्था में थी वैसे उठ के भागी, आधे अधूरे वस्त्रों को लपेट, क्या मेरा गोपाल आया है, मेरे भगवान आए हैं। दरवाजा खोल दिया, कहाँ बिठाऊं? गोपाल तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो गोपाल, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ। मैं क्या खिलाऊं, घर में कुछ है नहीं खाने को, एक केला पड़ा था, उस केले को छीलते जाए, छिलका तोड़े और गोपाल को खिला दे, गूदा पीछे को फेंक दे। बड़ी देर हो गई, गोपाल भी छिलका बड़े स्वाद से खा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए, विदुर जी आते ही देख के बोले ये क्या कर रही हो, छिलके खिला रही होगी भगवान को, बावली हो गई हो, हटो भगवान आप तो ये लड्डू खाओ। भगवान बोले विदुर लड्डू तो मैं खा लूंगा, लेकिन सुनो सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर के हाथ
हाथ से आ रहे छिलके में भाव था जो उसमें स्वाद था। मैं तो प्रेम के रिश्ते निभाता हूँ, इसलिए मैंने निवेदन किया कि वो प्रेम के रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वो स्वयं कहते हैं नाना भांति नचायो रे भक्ता मुकु नाना भांति नचायो। मेरे सब मिल के गाओ सारे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कीर्तन में हाथ और पैर दोनों चले, भगवान भी चले। एक 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 उठो बेटा, सबको दे रहे थे यहाँ पे, देना आओ बेटा। Yeah.
Yeah.